आज घर की रसोई में बनने जा रहा है कान पालक की सब्जी। आइए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो पालक चाहिए। पालक को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब गैस पर हम एक भगोने में पानी गर्म कर देते हैं। पानी में हम एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तब उसके बाद पालक को हम पानी में डाल देते हैं। हमें ज़्यादा देर तक इसको नहीं उबालना है, बस एक मिनट में चला कर हमें इसको निकाल लेना है। आइए इसको हम चला कर निकाल लेते हैं। एक बोल में ठंडा पानी लेंगे, उसमें हम पालक को निकाल लेते हैं। पालक को निकालने के बाद हल्के हाथों से निचोड़ कर उसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सी में डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्ची, पिसा हुआ पालक और कान। अब एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर, गैस ऑन है, उसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल और 1 चम्मच जीरा, 10-12 कटी लहसुन के, उसको हम चला लेते हैं। अब हम डाल देंगे 3 सूखे मिर्चे और अदरक कटा हुआ, फिर चला लेते हैं उसको। उसके बाद हम डाल देंगे उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटा प्याज है ये, और उसको चला लेते हैं। एक बार और चला कर हम उसको थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। हल्का ब्राउन हो जाने के बाद उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से उसमें बाइंडिंग आती है, पालक पानी छोड़ता है, इसीलिए बेसन डालने के बाद हम डाल देंगे उसमें 1 कटोरी कॉर्न। फिर हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सा भून जाए, करीब इसको 2 मिनट भूनना है। भूनने के बाद हम उसमें डाल देंगे आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला, आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्ची और आधा चम्मच से भी कम हमें हल्दी डालना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना, और एक बार फिर उसको हम चला लेते हैं। चला कर थोड़ा सा हमें भून लेना है। भूनने के बाद उसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ पालक। पालक डालने के बाद उसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और उसको फिर से चला लेते हैं। अच्छी तरह चला कर हमें पालक और कॉर्न को भूनना है। गैस की आंच तेज़ रहनी चाहिए ताकि वो अच्छे से भून जाए, और उसको हम ढक देते हैं। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि जले ना। ये देखिए एकदम से पालक पानी नहीं छोड़ा है, एकदम भून चुका है पालक, अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। मिक्सी को धोकर हमने पानी डाल दिया है इसमें। चला लेते हैं। चलाने के बाद धीमी गैस पर हम इसको करीब 3 से 4 मिनट पकने देंगे और फिर ढक्कन खोल कर फिर से चला देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच क्रीम। आप फेटी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद हम इसको फेंट लेंगे। थोड़ा सा चला लेते हैं। चलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आइए इसका तड़का लगा लेते हैं। एक कलछी रखेंगे गैस पर, गैस ऑन हमने किया है, गैस धीमी है। उसमें डाल देंगे 3 चम्मच घी। घी डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे 10-12 कटी हुई बारीक कटी हुई लहसुन और 1 पिंच हींग। लहसुन डाल देते हैं। लहसुन को थोड़ा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम अदरक का लच्छा डाल देंगे और उसको फिर से चला लेते हैं। चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूखी मिर्चें 3 और फिर से एक बार चला लेते हैं। गैस हमने धीमा किया हुआ है, नहीं तो जल जाएगी। अब देखिए फ्राई भी बिल्कुल रेडी है। आइए हम इसका तड़का लगा लेते हैं।
ढक्कन खोलकर हम इसमें तड़का डाल देंगे और ढक्कन को फिर हम 2 मिनट तक बंद कर देंगे। आइए खोलकर दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल रेडी है सब्जी। अब ऊपर से हम क्रीम डाल देंगे। बोल लेकर हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से क्रीम, लच्छेदार अदरक से डेकोरेट कर देते हैं। लीजिए बिल्कुल रेडी है। और